मैंने तो कभी उसे उस नजर से देखा भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही हमारा कोई रिश्ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब एक नाटक था, झूठ था, तेरे मुंह से सच बुलवाने के लिए। क्या? हाँ, नाटक। प्रज्ञा के साथ मेरा कोई सीन था ही नहीं। देख पूरा बाप, अब मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने ये नाटक किया ताकि तेरा सच सामने आ सके। कैसा सच? देख पूरा, मुझे साफ साफ बता तू। देख मैं नहीं जानता कि उस रात पार्टी में तुझे वो पिक्स कैसे, किसने और क्यों दिखाई, लेकिन उस पिक्स में सब झूठ था। झूठ? हाँ, तूने उस पिक्चर्स में जो भी देखा वो सच नहीं था, क्योंकि सच ये है मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार। उन पिक्चर्स को देख के मैं भी शॉक था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि उन पिक्चर्स को देखने के बाद तुझ पे क्या असर हो रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तू एक गलत लड़की से शादी कर रहा है और तुझे सही लड़की से मिलाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, मैं तो पहले से ही जानता था कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए कुछ है। बस तू तनु के साथ एंगेज था तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, लेकिन तू एक बात नहीं जानता कि जितना तू अपनी फीलिंग्स को दबाएगा उतना ही वो तेरे चेहरे पर नजर आएंगे। उन फोटोज को देखने के बाद मैंने तेरे चेहरे पे जो शिकन, जो जेलसी देखी, उसी की मदद से मैंने तेरी फीलिंग्स तुझे दिखाने की कोशिश की। मैंने उस पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया कि प्रज्ञा के साथ मेरा अफेयर है, ताकि तू मुझसे और जले, और इनसिक्योर हो और प्रज्ञा को खोने के डर से अपने दिल की बात उसे कहते। पूरा ये तो क्या बोले जा रहे? मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन तू नहीं जानता कितनी बार मेरे बनाए हुए प्लान में तू कब, कहां और क्या क्या बोल जाता था। मेरी बनाई हुई सिचुएशन में कितनी बार प्रज्ञा के लिए तेरा प्यार सामने आया है। तुझे नहीं पता तू बोल क्या रहा है पूरा? पागल हो गया है तू? मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं हर बात साबित कर सकता। साबित कर, कर ना। ओके, तुझे याद है उस दिन जब हम क्लब गए थे, मैंने एक लड़की को छेड़ा था और वहां पुलिस आ गई थी? तुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि मैं अरेस्ट हो रहा, तुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि प्रज्ञा क्यों दुखी है। उसका दुख तुझसे देखा नहीं जा रहा था, तू पूरी रात उसके साथ था और उसे दुखी ना देखने के लिए तू पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता है। अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल, क्या तनु के लिए ऐसा फील करता है? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
आखिरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी